अनामिका। उत्तराखंड के ऋषिकेश में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें राजधानी की महिलाओं ने पूरे रीति रिवाज के साथ कलश यात्रा निकाली। ऋषिकेश नरेंद्र नगर स्थित राजघराने की महिलाओं ने पूरे रीति रिवाज के साथ तिलों का तेल निकालकर गाड़ी भाड़ा कलश यात्रा को पूरे विधि विधान से बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना किया। देर रात्रि कलश यात्रा ऋषिकेश रेलवे रोड स्थित चेला क्षेत्राम धर्मशाला पहुंची। आज सुबह से ही कलश यात्रा के दर्शन करने हेतु यात्री व श्रद्धालु कलश यात्रा के दर्शन के लिए पहुंचे। वहीं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट सैकड़ों समर्थकों के साथ चेला क्षेत्राम धर्मशाला पहुंचे। वहां कलश के दर्शन किए। ये कलश पूरे उत्तराखंड में नगर नगर भ्रमण करते हुए श्री बद्रीनाथ धाम पहुंचता है। जिस दिन बद्रीनाथ के कपाट खुलते हैं, इस तेल से भगवान बद्रीनाथ के दीप जलाए जाते हैं। जो लोग चारों धाम यात्रा पर नहीं जा सकते, वो इस कलश के दर्शन करके पुण्य के भागी बनते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि गाड़ो घड़ा कलश के दर्शन करना और चार धाम यात्रा के दर्शन करने पर जो पुण्य मिलता है वो एक समान है और इस यात्रा की बड़ी मान्यता है। एक प्रकार से चार धाम यात्रा की औपचारिक शुरुआत हो गई। ये महारानी जी द्वारा राजभवन में हमारी बहनों के द्वारा तिल का तेल निकाला जाता है और उस तिल के तेल को एक घड़े में बंद किया जाता है, जिसका पूजन होता है विधिवत। तो आज ये ऋषिकेश में पूजन हुआ है और पूजन के बाद तेल का ये घड़ा झाड़ू घड़ा आगे बढ़ते जाएगा। इसके स्टॉपेज कपाट खुलने के पहले रात्रि को ये बद्रीनाथ जी पहुंच जाएगा और दूसरे दिन सुबह जब अभिषेक होगा कपाट खुलने के 6 महीने के बाद, भगवान के अभिषेक के बाद यही तिल का तेल का लेपन किया जाएगा और ये क्रम 6 महीने तक चलेगा। इतना पर्याप्त तेल होता है कि 6 महीने तक इसी तेल का प्रयोग होता है। इसके ये बहुत ही शुभ दिन माना जाता है आज से और ये तेल बहुत शुद्ध तरीके से निकाला जाता है, भगवान के अभिषेक में जाता है, सबके हाथ लगते हैं, सब प्रणाम करते हैं। एक किस्म से जो वहाँ नहीं भी जा सकता वो प्रभु को यहाँ से भी प्रणाम करता है कि प्रभु इस घड़े के माध्यम तक से आप तक हमारा साष्टांग दंडवत प्रणाम पहुँचे, हमारे ऊपर कृपा बनाना। कि कपाट खुलने के दिन से यात्रा बहुत शानदार तरीके से चलेगी। सारी व्यवस्थाएं सरकार ने चुस्त और दुरुस्त की है, स्वयं मुख्यमंत्री जी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पूरे सरकार के विभाग रात एक करके काम कर रहे हैं। विपक्ष के लोग कुछ गलत बातें फैला रहे हैं कि अभी तैयारी नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब झूठ बातें हैं। पिछली बार भी कहा था विपक्ष ने, लेकिन पर्यटकों की संख्या ने इसका जवाब दे दिया था। इस बार भी यात्रा प्रारंभ होते ही जवाब मिल जाएगा विपक्ष को। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टीवी। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें दस्तक टीवी।